वास्तविक प्यार की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर सच्चा प्यार ना हो तो अपने प्यार को उसके दिल के अंदर नहीं झांक सकते। भले ही सामने वाले का दिल आपके पास क्यों ना हो, जब प्यार झूठा हो तो उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं कि अभी सच्चा प्यार नहीं है, अभी भी सच्ची मोहब्बत है, बस पहचान करने की ज़रूरत है। जिससे भी सच्ची मोहब्बत मिलती है उसकी ज़िंदगी गुलाब के फूलों की तरह महक जाती है और ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। इस महक में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे इसमें आपकी भावनाओं की गहराई, सहयोग, विश्वासघात ना करना, संघर्ष की क्षमता, खुशी और संतुष्टि, संयम और निष्ठा, शांति और समझौता शामिल होते हैं। आइए आपको प्यार की 5 ऐसी निज़बानी बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचा सकती है। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी अपेक्षा के किसी को दिल से अपना मानने लगता है, उसे चाहने लगता है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है, उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हो जाता है, उसे हमेशा खुश देखना चाहता है और जीवन के खराब स्थिति में भी उसका साथ देता है, उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। सच्चे प्यार आपके साथी को आपकी भावनाओं का महत्व होता है। वह आपकी सुनता है, समझता है और सम्मान करता है। वह आपकी खुशियों को समझता है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। उन्हें एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान सकते हैं। दोस्तों, प्यार ईश्वर का वरदान है, इसमें कोई झलक नज़र नहीं आती। जिससे आप प्यार करते हैं तो उसको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये तो पता होना ही चाहिए। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ समझौता करना होता है, कहीं ना कहीं बलिदान करना होता है, और जहाँ झूठा प्यार होता है वहाँ एक ही चीज़ होती है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमसे कोई चीज़ करवाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमसे बात करता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही तुमको बुलाता है, तो ये चीज़ झूठे प्यार में ही आती है। फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी, और वह फ़ायदा सिर्फ अपने लिए ही करता है और हर एक चीज़ इसलिए करवाता है या करता है क्योंकि उससे उसको फ़ायदा होता है, उसे खुशी मिलती है, तो ये चीज़ गलत है। जैसे वह इंसान तुमसे तभी बात करता है जब वह फ्री रहता है, जब वह बोर होता है तभी आपसे बात करता है, और जब नहीं फ्री होता है तब आपसे बात नहीं करता। वो तभी कॉल करता है जब उसको आपसे गलत तरीके से बातें करनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये झूठा प्यार है, लेकिन तुम इसलिए खुश हो जाते हो कि देखो उसने मुझे खुद कॉल किया, खुद मैसेज किया, और ये सोचना कि वह आपसे प्यार करता है इसलिए आपको मैसेज या कॉल किया, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ रिस्पेक्ट होनी ही होनी चाहिए, और जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहीं प्यार होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वह प्यार नहीं है। चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ पर सच्चाई रहेगी वहीं पर सच्चा प्यार भी होगा, और जहाँ पर झूठ होगा वहाँ पर झूठा प्यार होगा। तो जहाँ पर सच्चा प्यार होगा वहाँ पर ज़्यादातर हम एक दूसरे से सच बोलते हैं। लेकिन आज के समय पर तुम किसी भी इंसान से ये उम्मीद मत रखना कि वह पूरी तरह से सच बोल रहा है। कोई इंसान सच्चा नहीं है, झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वह कितना बड़ा और कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से दूर रहना जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देता है। अगर सामने वाला इंसान आपसे छोटी सी बात पर झूठ बोल देता है तो उससे एकदम से दूर रहना, उसके साथ रहना तुरंत छोड़ दो, उससे दूर ही रहो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त सच बोलो, और आप बोल भी नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता है। जो इंसान छोटी छोटी बात पर झूठ बोल रहे हो तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। तो अगर वो तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से बात करता है और जब तुम उससे पूछते हो कि क्या तुम उससे बात कर रहे थे, तो अगर वह इतनी सी बात पर झूठ बोल देता है तो वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार आपकी खुद से भी ज़्यादा परवाह करता है और आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इज्जत देता है।
सच्चे प्यार करने वाले गलती होने पर एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देते हैं। प्यार इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एहसास है, और जब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो मन ही मन उसे चाहने लगता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी, उसके गम में अपना गम मानने लगता है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, और आपके हालात चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपका हमेशा साथ देगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी फीलिंग्स को समझेगा। तकलीफ़ में होने पर वो आपको एक भावनात्मक सहारा देगा, और यही सच्चे प्यार की निशानी है। इसके अलावा वो आपके करियर में या फिर आपके सपनों को या आपके जीवन के लक्ष्य को पाने में भी आपकी मदद करेगा। वही अगर कोई इंसान सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, या कोई इंसान आपसे झूठा प्यार करता है, तो वो इंसान आपकी मुसीबत वक्त या खराब हालात के वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे दूर हो जाएगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप जैसे हो वैसे ही आपको स्वीकार करेंगे, और वो आपकी तुलना किसी और के साथ करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आप में जो कमियां हैं या जो गलतियां आपसे हो रही हैं, उसके बारे में वो आपसे खुलकर बात करेंगे और आपको सुधारने का मौका देंगे, ना कि आपकी कमियों और गलतियों की वजह से आपको छोड़ देंगे। वो हर बात आपके साथ शेयर करेंगे, किसी भी बात को आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी से सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा अपनी हर बात साफ रखता है, और वो अपने साथी से भी यही उम्मीद रखता है। अगर कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो आपको धोखा देने की सपने में भी नहीं सोच सकता, और वो हमेशा आपसे ईमानदार और प्रतिबद्ध रहेगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप पर गुस्सा नहीं करेंगे, या फिर बात बात पर आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, और किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको भी अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मतलब आपको उनको धोखा नहीं देना चाहिए, या फिर उनका किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना है, और आपको भी समझदारी से काम लेना है। और अगर वो कोई बात आपको समझाना चाह रहे हैं या फिर कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उन बातों को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपके पीठ पीछे किसी के साथ आपकी बुराई नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई बात उनको गलत लगती है या फिर पसंद नहीं आती है, तो वो सामने से उस बात को बताएंगे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि प्यार एक दूसरे के विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता, तो अगर कोई इंसान आपके सच्चा प्यार करता है तो उसका आप पर पूरा विश्वास हो, और वो विश्वास कभी नहीं टूटने देगा, यानी कि वो कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है या आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ है, तो ऐसी हालात में वो आपकी बहुत देखभाल करेंगे, बार बार आपकी हालचाल के बारे में पूछेंगे और आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। इसके अलावा वो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा आपकी आपके भावनाओं की कदर करेगा, और हमेशा आपको इज्जत और सम्मान देंगे। वो कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे और आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ चार बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी ये आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, और वह इस बात पर गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने ही की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह बस तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद ही हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देख कर वह और भी तिलमिला उठा और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आँख बंद करी और फिर साधु ने अपनी आँख खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है, जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है, मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आँख खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठा हुआ, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है, और तुमने जो भी कुछ कहा वह तुम खुद हो, ना कि वह है। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो, तभी ये दुनिया आप सही तरीके से देख पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।